नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चल तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का टॉपिक है। 21 मार्च से 27 मार्च तक जो भी करंट अफेयर रही है सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद MCQ। वीकली MCQ की वीडियो है। इससे पहले मैंने 14 मार्च से 20 मार्च तक एक वीडियो आपको करवाई थी, अपने चैनल पर हमने डाली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। 80+ MCQ मैं आपको इस वीडियो में आप कराने जा रहा हूँ। हर रविवार को आपको ये वीडियो मिलेगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दी थी वीकली MCQ की, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अराउंड 80 से ऊपर MCQ कराने जा रहा हूँ। और साथ ही अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू ग्रोथ क्रेडिट। तो अभी हाल ही में किसे न्यू ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नाम आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे न्यू ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? तो वो है एक क्रिकेटर। तो क्रिकेटर कौन से हैं? वो है अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे को अभी हाल ही में न्यू ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है अजिंक्य रहाणे का। इनको न्यू ग्रोथ क्रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड हैज एस्टिमेटेड द GDP फॉरकास्ट टू रिकॉर्ड अ स्ट्रॉन्गर रिकवरी इन 2021 एंड ग्रो बाय। तो यू अंकटाड ने अभी अनुमान लगाया है स्ट्रॉन्गर रिकवरी का इंडिया की GDP का। GDP क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका अनुमान कितना रहा है? तो ये आपको बताना है वो है कि कितना अनुमानित GDP रही है, सकल घरेलू उत्पाद रहा है 2021 का, जो स्ट्रॉन्गर रिकवरी में अब आया है। इससे पहले ये माइनस में चल रहा था, तो अब ये है कितना? तो ये है 5%, 5% रहा है इस बार। अंक टाड ने ये एस्टिमेटेड रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन अ मेंस 300 मीटर स्टीपल चेस इवेंट इन द ऑनगोइंग फेडरेशन सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप। तो हाल ही में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में नया रिकॉर्ड स्थापित किसने किया है? तो ये नाम आपको बताना है कि किसने 300 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका नेम आपको बताना है। ये फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी पुरुषों की, जिसमें 300 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश सैवल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम हासिल करा था। तो इनका नेम आपको याद रखना है अविनाश सैवल का। तो इन्होंने अभी फेडरेशन कप में नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपल चेस में अपना एक नया रिकॉर्ड स्थापित करा था। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी हाल ही में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब ये पूछ रहा है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने 2021 के संसदीय चुनावों में जीत हासिल की है, मतलब इससे पहले भी वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे और दोबारा भी प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें अधिकांश सीटों पर चौथे सीधे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई है।
मतलब ये चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के, लगातार कंसेक्यूटिव चौथी बार जो ये बने हैं वो कौन है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस साल भी अपने चुनाव में या नीदरलैंड के चुनावों में जीत हासिल करी है, वो है मार्क रूट। तो इनका नेम आपको याद रखना है, ये स्टैटिक और करंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मार्क रूट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन इज द यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो बस इंपॉर्टेंट डेज के वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगर आप वीकली ये एमसीक्यू वीडियो देखते रहेंगे, पीडीएफ और पढ़ते रहेंगे, तो अच्छे से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो याद होते चलेंगे। और रिवाइज के लिए मैं आपको मंथली हर मंथ के एंड में एक पीडीएफ लेके आता हूँ, पीडीएफ नहीं एक वीडियो लेके आता हूँ, उसमें मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं पर्टिकुलर मंथ के वो मैं करवाता हूँ। इससे पहले मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये भी 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो अब ये कह रहा है वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड स्पैरो डे और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये दोनों दिवस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हाउस ऑफ स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड्स के लिए इन अवर एनवायरमेंट, शहरी वातावरण में हाउस ऑफ स्पैरो और अन्य सामान्य पक्षियों के लिए ये विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए पक्षियों के बारे में तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। अब ये पूछ रहा है इसकी थीम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं और अगर उनकी थीम दे रखी है तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। तो इसकी थीम है कीप काल्म स्टे वाइज एंड बी काइंड, कीप काल्म स्टे वाइज और बी काइंड इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम चार्ट एज अ न्यू स्पोकन पर्सन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बाय रिप्लेसिंग इनकम्बेंट अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का पदभार ग्रहण किया है। तो उनका नेम आपको बताना है, उनका नेम है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची बने हैं नए स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। किसको हटाया है, तो अनुराग श्रीवास्तव के स्थान पर अभी ये बने हैं अरिंदम बागची, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के न्यू स्पोक पर्सन है। तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च समर कैंपेन फॉर एलिवेशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन कैंपेन फॉर टू टैकल मॉल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। तो किस राज्य ने राज्य में कुपोषण, तो कुपोषण से निपटने के लिए ये समर अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस स्टेट का नाम आपको बताना है जिसने कुपोषण से बचने के लिए ये अभियान लॉन्च करा है, तो वो है झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा समर अभियान शुरू करा गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कौन सा स्टेट है जिसने ये समर अभियान शुरू करा है, तो वो है झारखंड। ऐसे ही आपको ये याद रखते चलने हैं कि समर अभियान किसका है, वो झारखंड का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर, अब 21 मार्च को भी चार डे सेलिब्रेट करे जाते हैं। एक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो इस अब ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
तो ये हर साल ये डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये डे भी अब 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ अ फॉरेस्ट और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दोनों डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ग्राम उजाला स्कीम, तो किस स्टेट ने ये ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च करी है? अब इसमें है क्या? फॉर हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड स्कीम के तहत ये हर घर गांव में हर घर में एलईडी बल्ब देंगे। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो वो है बिहार, तो बिहार गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है ग्राम उजाला स्कीम, जिसमें ये हर गाँव में एलईडी पहुंचाएंगे और मात्र 10 रुपए में। तो यह है ग्राम उजाला स्कीम, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट करी गई है। नेक्स्ट है विद विच कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री हैज सील्ड अ डील टू एक्वायर 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, तो ये का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदे को सील कर दिया गया है। तो ये किस किस के बीच ये सौदा हुआ है? तो ये सौदा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच और ये करा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो ये सौदा हुआ किस कंपनी के साथ है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? 4,690 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज मार्क्ड ऑन विच डे एनुअली, तो डाउन सिंड्रोम डे ये भी 21 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड पासेस एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी, तो इंडियन नेवी ने किस कंट्री की नेवी के साथ पासेस एक्सरसाइज अभी हाल ही में इनॉग्रेट करी थी? किसके साथ करी थी? अब किस ऑपरेशन के तहत करी थी? तो वो संकल्प ऑपरेशन के तहत ये पासेस एक्सरसाइज करी थी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश की सेना के साथ पारित अभ्यास या पासेस एक्सरसाइज करी थी? तो वो है बहरीन, बहरीन के साथ ये एक्सरसाइज करी थी इंडियन नेवी ने। चलिए, तो ये आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड पोइट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये 4 डे हो गए जो मैंने आपको 21 मार्च के लिए बताए थे, तो चारों आपको याद रखने हैं। और वर्ल्ड पोइट्री डे विश्व कविता दिवस हर साल भी 21 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो बाकी मैं आपको उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो ये आप मुझे जरूर, जो भी आपको डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, मैं आपको इस वीडियो में 3 इंडेक्स बताऊंगा। पहली है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो उस वो आपको बतानी है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में अभी हाल ही में ये रिलीज करी गई थी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 56 है, तो भारत की रैंक 26 है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 56। तो ये आपको याद रखना है। अभी 2 से 3 रैंक मैं इसमें बताऊंगा। दूसरी है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी लेकिन मैं दोबारा लेकर आया हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 अमंग 149 कंट्रीज, तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक 139 है 149 देशों में से, तो 139 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में और ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 56 है, ये आप देख रहे हैं। जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 56, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139, तो ये दोनों ही रैंक आपको याद रखनी है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। 139 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में है वर्ल्ड वाटर डे इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि वर्ल्ड वाटर डे हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो अभी विश्व कविता दिवस गलत आ गया है, वर्ल्ड वाटर डे, तो ये वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये नाम और डे दोनों आपको याद रखने हैं। अब वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी थीम आपको बतानी है कि इसका विषय क्या रहा है 2021 में। तो इसका जो फोक मतलब विषय है वो है वैल्यूइंग वाटर। अब जिसका विषय या थीम दे रखी होती है जिस डे की, वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। तो वैल्यूइंग वाटर विश्व जल दिवस 2021 का विषय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव एन इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अंडर द नेशनल पॉलिसी इन बायो फ्यूल्स 2018। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जो जैव नीति 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल पदोन्नति नीति लेके आया है? तो वो है बिहार। तो ये आपको याद रखना है। बिहार स्टेट के बारे में मैंने आपको दो चीजें आज बता दी, एक ये नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स और साथ ही ग्राम्य उजाला स्कीम। तो दोनों ही ये आपको याद रखनी है। एक पॉलिसी है बायोफ्यूल्स के लिए, इथेनॉल प्रमोशन के लिए, और एक थी ग्राम में उजाला स्कीम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फ्रूट ग्रोज इन रूलर। अब किसने अभी हाल ही में अपने रूलर एरियाज में किस राज्य ने स्टार्ट करा है एक इनोवेटिव मूवमेंट टू प्रमोट फ्रेश फ्रूट केक एज अ हेल्थियर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बेकरी मेड केक्स। अब यह है क्या ग्रामीण इलाकों में फल उगाने वालों ने पारंपरिक बेकरी केक के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव आंदोलन शुरू करा है? तो ये किस राज्य के द्वारा ये अभिनव आंदोलन शुरू करा गया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट या महाराष्ट्र ने अभी ग्रामीण इलाकों में ये जो फल उगाने वाले पारंपरिक बेकरी केक के बजाय अभी ताजे फल के बने केक का उपयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा हु हैज बॉर्न द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन अ वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल फॉर द इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नेम आपको बताना है किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चल रहा है, तो इस वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने अभी हाल ही में ये सिल्वर मेडल, सिल्वर नहीं स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है यशस्विनी देशवाल। अब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिना ढूंढ के बताइएगा तभी आपको ये याद होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बॉर्न अ स्कीट मेडल इन अ शूटिंग वर्ल्ड कप एट डॉक्टर करणी सिंह रेज तुगलकाबाद। तो स्कीट मेडल ये भी शूटिंग से संबंधित होता है, शूटिंग से संबंधित है स्कीट मेडल। तो स्कीट मेडल किसने अभी हाल ही में ये वर्ल्ड कप, इट वॉज अ फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मेडल फॉर इंडिया इन वुमेन्स स्कीट, जिन्होंने डॉक्टर करणी सिंह रेंज तुगलकाबाद में शूटिंग वर्ल्ड कप में स्कीट पदक जीता है। यह महिलाओं के स्कीट में भारत के लिए पहला विश्व कप पदक है। तो वो किसने जीता है, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो है गनीमत शेखो। गनीमत शेखो के द्वारा ये वर्ल्ड कप मेडल जीता गया है, स्कीट मेडल। ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप मेडल है इंडिया के लिए वुमेन्स स्कीट में। तो स्कीट में ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप है, तो गनीमत शेखो ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम, गोल्ड वर्ल्ड कप का मेडल अपने नाम करा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन ऑल इंग्लैंड ओपन मेंस टाइटल बाय डिफीटिंग डेनमार्क विक्टर एक्सेलसन। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को हराकर किसने ऑल इंग्लैंड ओपन मेंस टाइटल अपने नाम करा है? तो उनका नेम आपको बताना है, ली जी जिया। ली जी जिया ने इंग्लैंड का ओपन पुरुषों का खिताब जीता है। तो ली जी जिया ने ये खिताब अपने नाम करा है। मॉरिस
मॉरिशियस देश से हैं। तो ली जी जिया नाम आपको याद रखना है, इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन मेन्स टाइटल अपने नाम करा है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को हराकर। जितने भी टेनिस ओपन रहते हैं इनको आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। हु वॉन ऑल इंग्लैंड वुमेन्स टाइटल बाय डिफीटिंग थाईलैंड्स पोर्नवाय चोंगवू। तो पोर्नवाय चोचू वोंग को हराकर किसने ऑल इंग्लैंड महिला खिताब जीता है? तो थाईलैंड की पोर्नी पावी को हराकर नोजोमी ओकुहारा, जो जापान से हैं, नोजोमी ओकुहारा ने ये ऑल इंग्लैंड महिला खिताब अपने नाम करा है। तो इनका नेम आपको याद रखना है दोनों का, ली जी जिया इन्होंने मेंस में खिताब जीता और वुमेन्स में नोजोमी ओकुहारा, दोनों ने ऑल इंग्लैंड ओपन विन करा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड व्हाइल इंडिया स्टैंड एट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्टडी रिलीज बाय डिफीट वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अकॉर्डिंग किसने अभी हाल ही में स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स किसका रहा है? तो कौन सा देश स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स में नंबर 1 पे रहा है? तो वो है चाइना, और जो इंडिया है वो चौथे नंबर पर रहा है। तो अब दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो वो है, दूसरे नंबर पे है यूएसए और तीसरे नंबर पे है रशिया, चौथे नंबर पे है इंडिया। तो ये चारों टॉप 4 मैंने आपको बता दिए हैं। इंडिया चौथे नंबर पे रहा है, यूएसए सेकंड नंबर पे है, रशिया थर्ड नंबर पे है और चाइना पहले नंबर पे रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, तो किस देश की सबसे ज्यादा मजबूत सेना है? तो वो है चाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि स्पोर्ट्स या कोई भी गेम से संबंधित है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप हाल ही में चल रही है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चल रही है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। तो प्रथम विश्व विश्वविद्यालय की ऑनलाइन ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक किसने जीता है? तो वो है पी इनियन चेस प्लेयर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में प्रथम विश्व विश्वविद्यालय की ऑनलाइन ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो पी इनियन का नाम आपको याद रखना है। इंडिया पाकिस्तान चाइना एंड अदर मेंबर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्ड ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज पावी एंटी टेरर। अब पहले मैं आपको SCO के बारे में बता रहा हूँ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसमें 8 कंट्री मेंबर हैं, जिसमें 4 हैं इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया और बाकी 4 हैं तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान और 2 और तान हैं। तुर्कमेनिस्तान इसमें यहाँ पे सदस्य नहीं है SCO का। तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के जितने 4 तान हैं जो भी देश में लगते हैं तो वो देश इसका SCO का पार्ट है। अब पावी एंटी टेरर ये एक्सरसाइज हो रही है SCO के मेंबर कंट्रीज के बीच। अब आपको नाम बताना है कि SCO के सेक्रेटरी जनरल का नेम क्या है? तो SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नेम, मतलब महासचिव कौन है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। पावी एंटी टेरर एक्सरसाइज इनके बीच हो रही है, व्लादिमीर नोरोव इसके महासचिव हैं। तो व्लादिमीर नोरोव महासचिव हैं SCO के। तो ये आपको याद रखना है, पूरा आपको सब मैंने इसमें टोटल जितना इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रहता सब इसमें बता दिया है। नेक्स्ट है द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। महासागर हमारी जलवायु और मौसम विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय है, यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो वो है 23 मार्च। तो 23 मार्च को हर साल ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं गांधी पीस प्राइज। अभी गांधी पीस प्राइज अनाउंस किए गए हैं, एक 2020 का और एक 2019 का। तो 2020 में जो गांधी पीस प्राइज गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है वो 2020 में दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पहला ऑप्शन आप ये देख रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2020। बांग्लादेश के
ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बांग्लादेश की आज़ादी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जैसे हमारे लिए गांधी जी हैं वैसे वहाँ पर बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं बांग्लादेश में। तो इनको गांधी पीस प्राइस 2020 से सम्मानित किया जाएगा जा रहा है। तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, 2020 में दो दिया गया है वो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 के लिए जो दिया जा रहा है वो ओमान के सुल्तान कुबूस बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान। तो सुल्तान कुबूस बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान को 2019 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो दोनों के नेम आपको याद रखने हैं, 2019 में किसे दिया जा रहा है तो वो ओमान के हैं, और 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया लीजेंड अभी डिफीट करा है श्रीलंका लीजेंड को, अब ये है क्या? तो ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही है क्रिकेट की, जो भी लोगों ने जितने भी क्रिकेट के वो थे प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो वो सब इस सीरीज में खेल रहे हैं। इंडिया लीजेंड जो इंडिया के रिटायरमेंट प्लेयर हैं, श्रीलंका लीजेंड जो श्रीलंका के रिटायर्ड प्लेयर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये सीरीज का फाइनल मैच था जिसमें इंडिया के लीजेंड ने श्रीलंका के लीजेंड को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी थी। अब ये पूछ रहा है कि किसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है पूरी श्रृंखला का, तो वो है पूरे मैच का यूसुफ पठान, और जो पूरी श्रृंखला का जो मैन ऑफ द सीरीज गए हैं वो गए हैं तिलकर्त दिलशान। इन्होंने पूरे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करा है और जो मैच में प्रदर्शन करने के लिए मैन ऑफ द मैच गए हैं वो थे यूसुफ पठान। तो यूसुफ पठान का नेम आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनते सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई हैज सेट अप अ कमेटी विच विल इवेल्यूएट एप्लीकेशन फॉर अ यूनिवर्सल बैंक फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की को एक इन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी के चेयरपर्सन का नेम आपको बताना है। तो आरबीआई ने एक समिति बनाई है जो सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। तो समिति का अध्यक्ष श्यामला गोपीनाथ को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोनों का नेम आपको याद रखने हैं, सार्वभौमिक बैंक और लघु वित्त बैंक के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं श्यामला गोपीनाथ। श्यामला गोपीनाथ को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्टेड विद महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के लिए साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए। अभी जो कॉस्ट रही है टोटल जो 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ही खरीदेंगे इंडियन आर्मी के लिए, तो कितनी कॉस्ट रही है टोटल इसकी एग्रीमेंट की? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एग्रीमेंट करा है, टोटल जो कॉस्ट है 1056 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट है 1056 करोड़ रुपए। टोटल 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ये यहाँ पर खरीदेंगे इंडियन आर्मी के लिए, किससे? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शहीद भगत सिंह स्मारक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय रमेश पोखरियाल निशंक। 90th एनिवर्सरी थी शहीद दिवस की, तो 90वां ये एनिवर्सरी थी, ये वर्षगांठ थी शहीद दिवस की। तो इसके लिए जो भगत सिंह, अब आप ये देख रहे हैं शहीद दिवस की, तो इसके लिए रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक नई दिल्ली में इनॉग्रेट करा था। तो इसका नेम आपको याद रखना है, भगत सिंह स्मारक ये कहाँ पर इनॉग्रेट करा गया है, तो नई दिल्ली में। किसने करा है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट है द केन वेतवा लिंक प्रोजेक्ट ऑफ अ रिवर इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट विच विल बी ज्वाइंटली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट। केन वेतवा लिंक परियोजना एक नदी लिंक परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से किस राज्य की सरकार द्वारा चलाया जाएगा। तो ये दो नदियों को आपस में जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के बीच ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। अगर किसी नदी में बाढ़ आती है तो उसका
पानी दूसरी नदी में ट्रांसफर करा जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये इंटरलिंक करेगा दो नदियों को, और साथ ही इसी इंटरलिंक प्रोजेक्ट के तहत एक डैम भी बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच ये समझौता किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्लॉक इज टिकलिंग इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो द क्लॉक इज टिकलिंग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम है। अब जिसकी थीम दे रखी है वो डे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो द क्लॉक इज टिकलिंग विश्व क्षय रोग टीवी दिवस की विषय है, यह किस दिन मनाया जाता है। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग हर साल सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। द क्लॉक इज टिकलिंग विश्व क्षय रोग का विषय है, ये हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये डे आपको याद रखने हैं। ट्यूबरक्लोसिस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और द क्लॉक इज टिकलिंग इसकी थीम है। ई पोर्टल प्रणित हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, द ई टेंडरिंग पोर्टल ई प्रणित अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ई टेंडरिंग पोर्टल है, जितने भी टेंडर पड़ते हैं चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, उनको पेपरलेस करने के लिए ये प्रणित पोर्टल लॉन्च करा गया है पावर ग्रिड के द्वारा। तो ये ई टेंडरिंग पोर्टल है प्रणित, ये पावर ग्रिड के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, पावर ग्रिड के द्वारा ये प्रणित पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसरो रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, द डिमॉन्स्ट्रेशन लुक टुक प्लेस ओवर अ रेंज ऑफ। इसरो ने हाल ही में भारत में पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है, और ये 300 मीटर की सीमा से अधिक का प्रदर्शन हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे फॉर राइट टू ट्रुथ कंसर्निंग ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम। तो अगर इसका आप नाम भी अच्छे से याद कर लेंगे तो इसका आपको पता लग जाएगा कि ये डे हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि रशिया ने अभी हाल ही में ये 38 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करी हैं 18 देशों की। अब किस रॉकेट से लॉन्च करी हैं, उस रॉकेट का नेम आपको याद रखना है। तो रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है, तो इस प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट प्रणाली का उपयोग किया गया है या किया गया था, तो वो था सुयोज 2.1A। तो सुयोज 2.1A, इसका नेम आपको याद रखना है रॉकेट का, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क, तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है। तो ये पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू करा गया है, तो आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश कंट्री, अब इंग्लिश काउंटी लंकाशायर हैज अनाउंस्ड द ओवरसीज साइन ऑफ इंडियन बैट्समैन, तो किस इंडियन बैट्समैन के इन्होंने साइन के लिए एग्रीमेंट करा है 2021 के रॉयल लंदन कप के लिए, तो इंग्लिश के वो हैं श्रेयस अय्यर, तो इनके विदेशी हस्ताक्षर की घोषणा करी है इंग्लिश काउंटी लंकाशायर ने, तो इनका नेम आपको याद रखना है श्रेयस अय्यर का, ये आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में खेलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पैरा एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट अल एन इन द यूएई, तो उस भारतीय पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा सिंह राज ने, अभी हाल ही में इंडियन पैरा एथलीट हैं ये, गोल्ड मेडल अपने नाम करा है शूटिंग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया ने किस देश के साथ ये एग्रीमेंट करा है। अब एग्रीमेंट है क्या कि रिकॉग्नाइज ईच अदर एज ऑफ
ऑफिसर्स टू एक्ट मैनुअली एज अ कंपेटेंट इंटरनेशनल सर्चिंग एंड इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री एग्जामिन अथॉरिटी, तो आईएसए और आईपीए फॉर एनी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड विद देम। तो ये भारत का किस देश के साथ ये एग्रीमेंट रहा है, तो वो है जापान। तो जापान और इंडिया के बीच ये एग्रीमेंट रहा है, तो ये नाम आपको याद रखना है, जापान का इंडिया और जापान का आईएसए और आईपीए के लिए ये समझौता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में पारस्परिक रूप से कार्य करने के लिए एक दूसरे के बीच ये समझौता ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन 1882। तो 1882 में ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम की खोज किसने करी थी। अभी हाल ही में 24 मार्च को ये टीवी डे रहा है, तो अब ये रहा स्टैटिक का पॉइंट कि टीवी डे तो रहा है लेकिन टीवी की खोज किसने करी थी, तो उस साइंटिस्ट का नेम आपको बताना है, साइंटिस्ट का नहीं वैज्ञानिक का। अब वो है रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज करी थी। निम्नलिखित में से किसने 1882 में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज करी थी, तो वो है रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी की खोज करी गई थी 1882 में। अब आते हैं शहीद दिवस पर, जिसे मार्टियर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। तो मार्टियर्स डे या शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी दिन इन्होंने भगत सिंह स्मारक रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट करा था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ये बुक रिलीज करी है। अब ये बुक है क्या, तो ये बुक है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर इज ऑथर्ड बाय होम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ब्रिंगिंग सरकार एंड पीपल क्लोजर पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये एम रामचंद्रन के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, एम रामचंद्रन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गोडेडी हैज लॉन्च अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन विद होम टू इंस्पायर लोकल बिजनेस इन इंडिया। तो गोडेडी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया के लिए, जो इंस्पायर करेगा लोकल बिजनेस को अपना ऑनलाइन ले आने के लिए। उसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो बनाते हैं हम, तो वो गोडेडी के थ्रू हम बनाते हैं। तो अपने लोकल बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए एमएस धोनी को गोडेडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये आपको याद रखना है। विपणन अभियान के लिए एमएस धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टर्स स्टैंप ऑन 100 ईयर ऑफ फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू उड़ीसा। तो किसने महात्मा गांधी की प्रारंभिक उड़ीसा यात्रा के 100 वर्ष पूरा होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करा है, तो उनका नेम आपको बताना है, वो है संजय धोत्रे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, ये आईटी मिनिस्टर हैं, लेकिन स्टेट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इनसे ऊपर एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता है या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर होता है, तो वो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो इनके अंडर में काम करते हैं। तो संजय धोत्रे ने ये पोस्टल स्टैम्प लॉन्च करी है गांधी जी के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर उड़ीसा में। तो विच बैंक हैज बीन अवार्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। तो किस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो वो है ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड या सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो भी अवार्ड दिए जाते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर केरल के थ्रिसूर में है, तो केरल के थ्रिसूर में ईस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। अब एटम जगजवस्की का जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किस क्षेत्र से हैं, तो ये एक पोएट हैं, इतना आपको याद रखना है ओबिचरीज से कि एडम जगवेस्की का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो एक फेमस क्या है, तो वो फेमस पोएट है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक फेमस पोएट है।
अब भाई तीसरी रैंक, मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 रैंक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। 40वीं रैंक पर है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया। 56 देशों में से 40वें स्थान पर है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सर्जन जनरल ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, तो इनके सर्जन जनरल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? इंडियन अमेरिकन पर्सन है, तो उनका नेम इम्पोर्टेंट बनेगा क्योंकि इंडियन अमेरिकन है, विवेक मूर्ति। ये राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पहले बराक ओबामा के भी सर्जन जनरल रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये नहीं रहे थे, लेकिन अब जो बिडेन ने दोबारा से इनको अपॉइंट करा है सर्जन जनरल के तौर पर। विवेक मूर्ति को इंडियन अमेरिकन पर्सन है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा सर्जन जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23। तो एज पर द फिच रेटिंग, अब ये फिच, क्रिसिल और S&P, ये तीन फेमस ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये भी जीडीपी को एस्टिमेटेड बताती हैं, लेकिन जो मेन जो बताता है वो होता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो एक्यूरेट कैलकुलेट करता है वो करता है NSO, लेकिन जो एस्टिमेटेड कैलकुलेट करी जाती है जिससे लोगों का या विदेश से आए लोग और इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो जो जीडीपी का जो एस्टिमेटेड जो लेके आते हैं वो कौन करते हैं? तो वो है फिच। तो फिच रेटिंग ये किसके द्वारा क्लियरली, फिच रिपोर्ट में 12.8% रही है इंडिया की जीडीपी। अब जितने भी क्वेश्चन इसमें रह गए हैं वो आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इसी आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड बाय, और साथ ही सभी को हैप्पी होली, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड बाय।